Hello everyone, my name is Milam Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment. दोस्तों बेसब्री का समय बेसब्री का आलम बना हुआ है. 10th क्लास और 12th क्लास NIOS के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस बात की टेंशन में है कि अक्टूबर में उनके एग्ज़ाम एक्चुअली कब होंगे. अक्टूबर में ही होंगे या नवंबर में होंगे, या फिर उनको ये लगता है कि एग्ज़ाम्स उनके होंगे या नहीं होंगे. क्योंकि जैसे जून वालों को आप मार्च अप्रैल वालों को प्रमोट कर दिया गया था, क्या आपको भी प्रमोट कर दिया जाएगा? क्या हालचाल चल रहे हैं इंडिया के अंदर कोरोना को लेकर? कोविड के जो 19 के जो पेशेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने बढ़ गए हैं? कोविड की जो थर्ड वेव है वो इंडिया के अंदर कितनी कारगर है, यानी कि कितने पेशेंट्स इसके हैं? हॉस्पिटल्स के हालचाल कैसे हैं? न्यूज़ चैनल पे क्या चल रहा है और यूट्यूब चैनल्स पे क्या यूट्यूबर्स बता रहे हैं आखिर कोविड के कितने पेशेंट्स हैं? इस स्थिति को देखते हुए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि NIOS हेडक्वार्टर्स आपके अक्टूबर के एग्ज़ाम्स लेगा ही लेगा, ये बात तो तय है. लेकिन अब ये कब लेगा उसको लेकर हमारी अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई थी दो दिन पहले, उसमें मैं आपको बता दूं कि मीटिंग के अंदर जो भी बातें निकल के आई थी, मेरे स्लिप है मेरे पास, मैंने ये रिटर्न में रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो के अंदर कुछ आपको बताना भूल जाऊं. तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं कि लगभग जो भी मीटिंग के अंदर बातें हुई थी उसमें लेकर जो डेट फिक्स की जा रही हैं उस फिक्स डेट का मैं लगभग आपको आइडिया बताने वाला हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे और प्रैक्टिकल्स एक्चुअली कब से होने वाले हैं. तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके प्रैक्टिकल्स लगभग कौन से किस मंथ के किस डेट को शुरू होने वाले हैं, प्लस आपके एग्ज़ाम्स अक्टूबर में ही होंगे या नवंबर में होंगे, और अक्टूबर में अगर हो रहे हैं तो कौन सी तारीख से लगभग ये शुरू किए जा सकते हैं. तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके प्रैक्टिकल्स कब होंगे. आप लोगों के प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं 21 सितंबर के आसपास से, यानी कि 21 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आपके प्रैक्टिकल्स चलेंगे. यानी कि जो डेट NIOS हेडक्वार्टर्स 10th क्लास और 12th क्लास के लिए जो बुक करने वाला है वो है 21 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट किया जाएगा. जो कि आपको पता है हॉल टिकट पर सारी डिटेल्स आपकी होती है और आपके नज़दीकी जो भी सेंटर्स होंगे वहाँ पर आपको ये पेपर देने होंगे, जिसकी तैयारी वो शुरू कर चुके हैं. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे. तो देखिए अक्टूबर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो करीब करीब 17 अक्टूबर की डेट फिक्स की जा रही है कि 17 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम्स लेना वो शुरू करेंगे. और इतनी जल्दबाजी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कोविड की सिचुएशन अभी तक तो नहीं बिगड़ी है, क्योंकि मैं भी कई हॉस्पिटल्स में होके आया हूँ. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गया था अभी मैं पिछले हफ्ते, तो वहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी ली थी, लेकिन वहाँ पर फ़ोटोज़ लेना वर्जित था. तो मैं उसको प्रिकॉशन से काफ़ी सारे कि वहाँ ना जाओ, इधर मत घुसो, तो वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स थे, लेकिन अदर जो थे डिफरेंट डिसेबिलिटी के थे, तो वहाँ पर कोई कोविड के पेशेंट मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दिया. तो वहाँ पे सिचुएशन हॉस्पिटल्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, ऐसा कोई कोविड का सिचुएशन नहीं है. तो उसको देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स तो होंगे, ये तो गारंटीड है. अब NIOS हेडक्वार्टर्स में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि बच्चों के एग्ज़ाम जितनी जल्दी हो सके फटाफट करवा के रैपअप कर दीजिए. इस बार मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके एग्ज़ाम्स में छुट्टियां बहुत कम होने वाली है. जैसे एग्ज़ाम्स होता है, आज अगर मान लीजिए 17 तारीख को पहला एग्ज़ाम है तो दूसरा आपका 20 को होता है या 21 को होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपका 17 तारीख को पहला एग्ज़ाम है तो 18 या 19 को ही आपका दूसरा हो जाएगा. हो सकता है आपको कोई हॉलीडे भी ना मिले, ताकि ये श्रिंक करके डेट्स को और फटाफट आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लें. उसके बाद चाहे कोविड आए, कोविड 3 आए, वेव आए, कुछ भी आए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका रिजल्ट बना के दे देंगे आपको, राइट? तो बहुत तेज़ी से तैयारी चल रही है और बहुत कम टाइम में आपको ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे. तो 17 अक्टूबर की डेट इन्हें फिक्स करना चाह रहे हैं कि 17 अक्टूबर तक हम आपके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करें, और 17 अक्टूबर से लेकर ये नवंबर एंड तक आपके एग्ज़ाम्स लगभग ख़त्म हो जाएंगे. क्योंकि आपको पता है कि NIOS का जो सब्जेक्ट्स क्राइटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उर्दू, हिंदी, बंगाली, दुनिया भर के इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है. तो नवंबर एंड तो जाएगा ही जाएगा. तो ये इस बार ये जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं कि 21 सितंबर से ही आपके प्रैक्टिकल शुरू कर दिए. अब इनकी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी कोविड के पेशेंट्स तो बहुत कम है, तो अभी ये चाहते हैं कि फटाफट इनके एग्ज़ाम्स इसी सिचुएशन में फटाफट ले लिए जाएं. इस वक्त ये फिलहाल बिजी हैं अपने ऑन डिमांड के एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने में. जैसे ही ऑन डिमांड के एग्ज़ाम्स कंप्लीट होंगे सितंबर में ही आपके ये 21 सितंबर से ये आपके प्रैक्टिकल्स लेना शुरू कर देंगे. आपको आपके हॉल टिकट्स मिल जाएंगे, उसमें सारी आपकी डेट्स वगैरह सब कुछ मेंशन हो जाएगी. इसलिए सारी प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ बना के रखिए, TMA वगैरह अपने टाइम से जमा करवा के रखिए. TMA जमा नहीं है तो फिर संपर्क कीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ. अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लीजिए ये काम. अगर आप मेरे को कॉल कर लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा, प्लस मैं आपको सही सॉल्यूशन बता दूंगा, आप वो कर सकते हैं.
17 अक्टूबर ध्यान रखना, 17 अक्टूबर से ये डे आपके एग्ज़ाम्स लेने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, नवंबर एंड तक ही आपको फिनिश कर देंगे। इस वीडियो में मैं आपको बस सिर्फ यही बताना चाहता था कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि इस बार कैंसिलेशन के कोई भी चांसेस नहीं है। और ये भी बता दूं कि एक्सटेंड करके ये नवंबर में एग्जाम शुरू नहीं करेंगे, ये आपके अक्टूबर में ही शुरू करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। क्योंकि ये अगर एक्सटेंड करेंगे तो इसमें इनको ये डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कोविड की सिचुएशन फिर ज़रा हावी हो जाए और इनको फिर दोबारा एग्जाम्स कैंसिल करने पड़ जाएँ। तो ये श्रिंक करके फटाफट आपके एग्जाम्स लेने के प्लान में है। आई होप कि आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि आखिर ये क्या प्लान कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को तुरंत इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 1-to-1 आपसे बात करूंगा। व्हाट्सअप नंबर मोबाइल नंबर भी अपना दे रहा हूं, राइट। चैनल पर नए हो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट आपको बता दूंगा कि आपकी डेट शीट कब आने वाली है आपके पोर्टल पे, राइट। हॉल टिकट्स कब आने वाले हैं और किस क्राइटेरिया में ये आपके एग्जाम्स लेने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या MCQ के क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले आपके एग्ज़ाम के फाइनल बोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, 10th और 12th क्लास के जो NIOS के इस बार एग्जाम्स होने वाले हैं अक्टूबर सेशन में, उसमें कुछ क्वेश्चंस MCQ के भी हो सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा चल रही थी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए और कम से कम आपको नोटिफाई हो जाए कि हाँ मेरी वीडियो आई है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।